पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल आजादपुर रोड गुलबर्गा में साइंस फेयर का अहतमाम। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल आजादपुर रोड गुलबर्गा शाख में आज सुबह 10 बजे साइंस फेयर का अहतमाम किया गया। सीएन लक्ष्मी नारायण, डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर कलबुर्गी ने साइंस फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैयद नईमुद्दीन प्रिंसिपल पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल अब्दुल सलाम सर, फारूक साहब, हैदर सर मौजूद थे। तलबा ने साइंस फेयर में एकेडमिक और इस्लामिक दो अकसाम के मॉडल्स पेश किए। जंगे अहद, गुसूल, कफन और दफन का तरीका, मोबाइल से होने वाले गुनाह, हज अदा करने का तरीका, उन्वानात पर इस्लामिक मॉडल्स और पर्शियन व्हील पर एकेडमिक मॉडल तलबा ने पेश किए। सीएन लक्ष्मी नारायण, डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर कलबुर्गी ने तलबा की जानिब से पेश किए गए मॉडल्स की भरपूर सताइश की। अभी जो पीस इस्लामिक स्कूल से जो एग्जीबिशन चल रहा है वो साइंस के बारे में, ये बहुत स्टूडेंट्स वो फिफ्थ स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड तक एग्जीबिशन रखे हैं। इधर अलग अलग सब्जेक्ट में भी है और साइंस के बारे में भी है, एंड अच्छा मॉडल्स भी बनाए। ये मॉडल्स हम उनको देखने से, उनको करने से और दूसरों को एक्सप्लेन करने से जो है उनको साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा। आगे उसमें जो कुछ बच्चे जो है साइंटिस्ट भी निकल सकते हैं, नहीं तो मे बी साइंस के फील्ड में भी जा सकते, बेसिक साइंस डिग्री में और पीजी में पढ़ के आगे कुछ पीएचडी भी करेगा। उसके बारे में जो कोशिश जो जारी है ये एग्जीबिशन से जारी हो जाएगा। बच्चे बेसिक साइंस पढ़ना है, कुछ आगे इनोवेशन भी करना है, अच्छे इंडिया के लिए साइंटिस्ट बनना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल में जो डिस्कवरी होना है वो इंडिया में ऐसा करने से, अभी क्या है इंडिया में वो मूवमेंट है, इनोवेशन का मूवमेंट है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो आने के बाद इनोवेशन के बारे में ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए और थ्रू आउट इंडिया देर आर वेरियस इनोवेशन सेंटर्स विच हैव कम अप। सो ऐसा करने से जो है सो बच्चे आगे अच्छे निकलेंगे और दुनिया में हमारा इंडिया का नाम भी रोशन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सक्सेसफुली वी हैव कंडक्टेड दिस एग्जीबिशन अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ आवर स्टाफ एंड मिस्टर हैदर सर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ वेरियस पीपल। So, means I want to speak in Hindi and Urdu also because the parents will not understand English. So, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने सक्सेसफुली हमने ये साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया, और स्वामी नारायण सर जो हमारे साइंस सेंटर के हेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तारीफ की कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं वो हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 8th स्टैंडर्ड तक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इसमें तमाम लैंग्वेजेस को हमने कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे ऑल लैंग्वेजेस को हमने इसमें कवर किया है और साइंटिफिक मॉडल्स भी हैं। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर लैब है स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2nd स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को हमने प्रैक्टिकल करवाते हैं। ये जो हमारे थर्मोकोल के हमने मॉडल इसमें नहीं बनवाए हैं, ये जो हमारे मॉडल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्किंग मॉडल्स हैं। इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे पास यहाँ पे वर्क हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक कंपटीशन में हम लोग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल को इस टाइम फर्स्ट टाइम पे यंग जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद हमने साइंस सेंटर के अंदर में एक इनोवेशन हमारा जो था एक साइंस सेंटर की तरफ से मेला रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह प्राइजेस मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, और फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से तमाम लोगों का ताउन रहेगा और हमारे बच्चों का हम इंशाल्लाह एक बेस्ट इनका फ्यूचर और इनका कैरियर हो, इसके लिए हमारी कोशिश है, और हम तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका कोऑपरेशन चाहते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। या माई सेल्फ सैयद नईमुद्दीन, आई एम एन इंजीनियर BTech and I have done MBA also, and I am a management trustee as well as I am a principal of this school. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trustee of the Peace Islamic School, मैं अब बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को और टीचर्स को मुबारकबादी देता हूँ कि इन्होंने बहुत अपनी कोशिशों से बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि ये बच्चे अच्छी तरक्की करें और आगे बढ़ें, साइंस की दुनिया में आगे बढ़ें। इसमें अलग अलग टॉपिक्स लिए गए हैं, जैसे कि इस्लामिक अलग है, फिर साइंस अलग है, थोड़े एग्रीकल्चरल में है और थोड़े मैथ्स में है, सोशल में है, अबाकस में है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में लेके ये हमारा साइंस में है और उधर साइड का इस्लामिक का है।
Assalamu alaikum. Myself Atuba Tanim. I am studying in 8th standard of Peace Islamic International School. Today in our school there is a science exhibition. I have chosen Islamic topic. My topic is in Islamic subject. आज हमारा मॉडल है गुसल देने का तरीका, कफनाने का तरीका और दफनाने का तरीका. मैं आप सबको पहले बताना चाहती हूँ कि गुसल का तरीका. हम पहले मैयत के तख्त को धोनी दें, उसके बाद हम मैयत के कपड़े निकालें, यानी बरहाना करें. ऐसा बरहाना करें ताकि उसका सत्र नजर ना आए, और हम इसके नाफ को प्रेस करें और इसकी गलाजती को लेफ्ट हैंड से, यानी कि गंदगी को लेफ्ट हैंड से साफ करें. इसके बाद हम मैयत को वजू कराएं, लेकिन नाक में पानी और कुल्ली नहीं कराएंगे. इसके बाद हम इसके बालों को शैम्पू, साबुन या फिर बेरी के पत्ते के पानी से इसके सर को साफ करेंगे, यानी क्लीन करेंगे. इसके बाद हम इस मैयत को ऐसा नहलाएंगे जैसे हम अपनी जिंदगी में, यानी लाइफ में नहाते हैं. इसके बाद हम, ये तो पूरा कपड़ा कच्चा हो गया है, इसको हम पूरा साफ सूखे कपड़े से पूरा पोंछ देंगे और ये कपड़े को बदल देंगे. अब गुसल देने के बाद तो कफनाना तो जरूरी है, अब हम कफनाएंगे. कफनाने के लिए मर्द के लिए तीन कपड़े होते हैं और औरत के लिए पांच कपड़े. औरत के लिए लिफाफ इजार, कमीज, सीनाबंद और स्कार्फ. हाँ, सबसे पहले हम बांधेंगे सीनाबंद. फिर हम बांधेंगे स्कार्फ और इसके बाल हम सीने पे डाल देंगे. और फिर हम पहनाएंगे इसको कमीज. और फिर हम बांधेंगे इजार जो कि सर से लेके पैरों तक होता है, और फिर लिफाफ जो पूरा कवर करता है. हम सबसे पहले पैर के तरफ को बांधेंगे. अब हमारा कफनाने का तरीका कंप्लीट हो गया है. अब हम तीसरी टॉपिक बोलेंगे, ये दफनाने का तरीका. हम मैयत को दफनाएंगे. ये बगली खबर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खबर ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप खबर के अजाब से बचना चाहते हैं तो ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क और अलिफ लाम मीम सजदे की तिलावत करें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो एक मोमिन दूसरे मोमिन को गुस्ल देता है और खबर तक ले जाता है, इसको तीन किरात का सवाब मिलता है. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम. आज की हमारी टॉपिक है दुनिया की मसरूफियत और आखिरत से गफलत. अल्लाह सुबहाना तआला सूरतुल अंबिया आयत नंबर 1 में फरमाता है, एक तौबा लिन्नासि हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुरीदुन, यानी लोगों के हिसाब का वक्त आ गया और वह अभी भी गफलत से मुंह फेरे हुए हैं. यानी कुरान की आयत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि क़यामत करीब है और हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, मगर आज हम अपने आखिरत को सवारने में कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और अपने हिसाब को आसान बनाने में भी कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं. ये शराब है जो नशीली और हमारे इस्लाम में हराम है. कोई फेसबुक पे बिजी है, कोई व्हाट्सएप पे बिजी है, कोई बेड रेस्ट पे है, और तो और कोई टीवी पे बिजी है. टीवी इतनी बुरी चीज़ है जो हमारे घरों को तबाह कर रही है, और हम अपने आप अपना ठिकाना जहन्नुम बना रहे हैं. जहन्नुम से एक रिवायत हदीस रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम की आग हज़ार बार दहकाई गई तो बिल्कुल सुर्ख हो गई, फिर वो हज़ार बरस दहकाई गई तो बिल्कुल सफ़ेद हो गई, और फिर वो हज़ार बरस दहकाई गई तो बिल्कुल सियाह हो गई. और एक हदीस में आता है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अहले जहन्नुम का पीप का डोल अगर दुनिया में उनल दिया जाए तो उसकी बदबू से हम दुनिया वालों का दम घुट जाएगा. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहन्नुम में कितनी बुरी जगह है जिसमें कई सारे मूजी जानवर होते हैं और बहुत ही बुरा ठिकाना है, मगर आज हम दुनिया की मोहब्बत में घिरे हुए हैं और अपनी आखिरत को भूल गए हैं और अपना ठिकाना जहन्नुम में खुद ही बना रहे हैं. अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आँख से बचाए. आमीन.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آل اسٹوڈنٹس آر ویری ہارڈ ورک, سارے لڑکوں نے اور بچوں نے اچھا ہارڈ ورک کیا ہوا ہے, اور یہ ایج میں اور یہ کلاس میں یہ بچوں کا ایفرٹ ماشاء اللہ آگے فیوچر ان کا بہت برائٹ دکھ رہا ہے, اور بھی محنت ان شاء اللہ بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے, بٹ یہ ایج میں اور یہ کلاس میں بچوں کا یہ ہارڈ ورک ان شاء اللہ فیوچر اور بھی اچھا ہونے کا اندیشہ ہے ان شاء اللہ. میں آج آپ سب کو پیس اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی سائنسی ایگزیبیشن کے لیے خوش آمدید کرتا ہوں. اس موقع پہ آپ ہمارے بچوں کی کچھ ہنر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سائنس میں اپنے آپ پڑھ کر کئی چیزیں بنائی ہیں اور اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان چیزوں کو بنانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں لیب موجود ہے, اور اس لیب میں عنقریب 2 ہفتے سے یہ بچے اپنی محنت کر کے یہ سارے ماڈلز بنائے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ماڈلز کو دیکھیے اور بچوں کے علمی لیول کا مظاہرہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس ریئلی اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس. بینگ این ان چارج آئی ریئلی فیلنگ ویری پراؤڈ دیٹ آئی ایم اے پارٹ آف دس اسکول. Our students, what they are learning, practically they are doing, alhamdulillah, what they have learnt, practically they are saying also, they understood also. And as sir said, all the models, we have teachers and students, together we had made, and you can see the clear result over here. Everyone is doing very good. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Atiqur Rahman Umri, and I am in Peace Islamic International School. حفظ کی کلاس جو ہے نا لیتا ہوں. الحمدللہ پیس اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی التظام کیا گیا ہے, اور یہاں پر جو ہے نا باقاعدہ 2 شعبے بنائے گئے ہیں, ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ کے نام سے اور ایک اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کے نام سے. اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 جو میجر مین سبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور لینگویج کے سبجیکٹ ایڈ کیے گئے ہیں, اور اسی طرح اسلامک ڈپارٹمنٹ میں حفظ قرآن, حفظ سورہ, تجوید, ناظر قرآن, عربی لینگویج, یہ پوری چیزیں جو ہے نا شامل کی گئی ہیں اس کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر ہماری اسلامی تاریخ و معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلامک اسٹڈیز کا بھی التظام کیا گیا ہے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائنس ایگزیبیشن کو کنڈکٹ کرنے میں, منعقد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی, اور خاص کر ہمارے ٹیچرس اور جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہے ہم سب کے شکر گزار ہیں, اور جو بھی پیرنٹس ہیں جن لوگوں نے بھی ہمارا اس میں تعاون کیا ہے ہم سب کے شکر گزار ہیں. گلبرگہ سے ای ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمست کی رپورٹ.